अनदर ब्रो। तो गाइस आज मेरी पीटीएम है और दीदी जा नहीं रही मेरे साथ, वरना मैं हमेशा दीदी को लेकर जाता हूँ, क्योंकि थोड़ा है ना मारेंगी नहीं, बता देंगी पापा को कि हम वक्त क्यों आए। तो अभी दीदी तो जा रही है ऑफिस और मैं जाऊँगा मम्मी के साथ पीटीएम में। 10 बजे की टाइमिंग है, मैं हो गया रेडी, स्कूल की ड्रेस में जाना है ना, बताना कैसा लग रहा हूँ। ठीक है, तो अभी 5-10 मिनट बाद निकल जाएंगे खाना खाने के बाद। तो अभी हम निकल चुके हैं स्कूल जाने के लिए और मैंने पेन पेपर भी ले लिया, उसमें मार्क्स लिखूंगा ना। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब बारिश का नामो निशान नहीं है। तो अभी बस अब देखते हैं कितने आ जाएंगे मार्क्स है, बस डांटना मत, आ जाएगा फिर मेरे को तो मार्क्स पता ही है मेरे। तो अभी हम स्कूल पहुंच गए हैं, ये है हमारा स्कूल। तो अभी मार्क्स लेके आएंगे, स्कूल में अलाउड नहीं है ना वीडियो बनाना, तो स्कूल में वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैंने मैम से पहले पूछा था, मैम वीडियो बना सकते हैं स्कूल में? नहीं मैंने ना कर दिया कि अलाउड नहीं है, तो मैं बनाऊंगा नहीं, आके बताएंगे फिर अंदर क्या हुआ। ये स्कूल मम्मी हंस रही है। तो फाइनली हम मार्क्स लेके आ गए हैं, जिनमें से 3 में अच्छे हैं और 2 में ठीक ठाक आए हैं। और आपको कैसा लगा मम्मी? नेक्स्ट टाइम और मेहनत करना। हाँ मम्मी भी यही कह रहे हैं, मैम ने भी बोला नेक्स्ट टाइम और मेहनत करना। अरे मेरे को तो सही लगे, मेरा क्या है। और वो पर्ची में भी मार्क्स उठ गया, अभी घर पे सबको दिखाऊंगा मार्क्स। मैं बहुत कम लोग स्कूल की ड्रेस पहन के आए थे, ज़्यादातर घर की पहन के आए थे। तो मम्मी ने बोला तू घर की क्यों नहीं पहन के आए? मैंने बोला हमारी मैम ने बोला था, हम हमारे मैम की बात मानते हैं। झूठ बोल रहा है। तो गाइस इसके अंदर मेरे मार्क्स है, तो जल्दी से देखना बस। तो आज हम वापस निकल चुके हैं विशाल के लिए, पर आज हम पैदल पैदल जा रहे हैं क्योंकि मौसम आज अच्छा हो रहा है, इसलिए पैदल जा रहे हैं ना, तो अच्छा है, शरीर भी खुला रहेगा। आप पतले भी हो जाओगे। तो वो जो पिछले बार हमने कॉपी ली थी ना, वो पता है घर से निकली, उसके अंदर लाइनें नहीं थी, एकदम वाइट पेज है। तो देखते हैं, हाँ ब्लैंक पेपर है, तो देखते हैं चेंज होगी या नहीं। और भी कुछ सामान लेना था, और स्पेशली विशाल के आगे गोलगप्पे वाला होता है, उसका गोलगप्पे खाऊंगा। हाँ तभी तो मैं आया, सो गया था मैं स्कूल से आने के बाद, पीछे के बाद स्पेशली उठ के अब आया। तो अभी पापा सबको घर वालों को वो दिखाने, मार्क्स भी दिखाने, तो रिएक्शन लेंगे कैसे हैं। पहाड़ आज कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये है वो गोलगप्पे वाला, ये भी बहुत अच्छे बनाते हैं। सेकंड नंबर पे मेरे को इसके फेवरेट लगते हैं, फर्स्ट पे तो 6th वाले के लगते हैं अपने। तो फाइनली हमें कॉपी के लिए बात कर रहे हैं, वो चेंज हो जाएगी, कह रहे हैं ले आओ लाइन वाली। इतनी कॉपियाँ बड़ी सारी ट्रेन ट्रेन ट्रेन, मैं घर पर क्या ना कह रहा, अच्छी बातें मैंने देख लिया, अच्छी बातें मैंने देख लिया, अगले दिन टेस्ट भी आना, तो कॉपी लेके जाने टेस्ट के लिए। तो हमने कॉपियाँ भी ले ली क्या? तो अभी हमने कॉपी चेंज करवा ली है और होगी चेंज, वाइट वाइट थी ना उनकी गलती थी, तो हमने वो लाइन वाली ले ली मेरे तक। तो अब हम जा रहे हैं सूखा दूध लेने, दूध मिल्क पाउडर, यहाँ पे दूध कम मिल रहा है ना, तो वहाँ से आते हैं बड़ा वाला जहाँ का पूल टूट गया। अभी हम गोलगप्पे खा के चलने लग गया पैदल पैदल, पैदल पैदल चल जाएंगे ना, फिर हजम हो जाएगा अच्छे से थोड़ा। और मौसम अभी तक इतना प्यारा है, देखो हमारे घर से ज़्यादा 15 मिनट का रास्ता पड़ता है, 10 मिनट, 10-15 मिनट, अगर धीरे धीरे चलोगे तो 15 मिनट हो जाएंगे ना। घर आ गए थे, फिर बारिश आ गई थी, अब बारिश आई है ना, मौसम और अच्छा हो गया देखो। तो अब थोड़ी देर में जाऊंगा घूमने, अगर मिलेंगे दोस्त खेल रहे होंगे तो उनके साथ खेल लूँगा, फिर मेरे को आके मैथ्स का काम करने, कल चेकिंग है ना, तो वापस स्कूल खोल रहे हैं।
तो पहले फिर मैच का काम करूँगा, फिर मैं देखूँगा बिग बॉस, एलविश यादव आने वाले बिग बॉस में, और आप कमेंट करके बताना आप बिग बॉस में किसको सपोर्ट कर रहे हो। जैसे आया हुआ तो कोई मेरा दोस्त खेलने नहीं आया, एक तो बारिश हो रही थी इस वजह से, और दूसरा पीटीएम थी ना तो घर पे पढ़ रहे होंगे सब, कि डांटना पड़ेगी घर वालों से दिखाने के लिए हाँ भाई अब हम पढ़ रहे हैं, तो मैं भी घर पे जाके पढ़ूंगा ही। वैसे मौसम देखो बारिश के बाद उधर अभी और होगी बारिश। घूम के आ गया और घर पे आके देख रहा हूँ चाय और पकौड़े बना रही है मम्मी। अरे वाह मजा आएगा। तो चाय और पकौड़े बन के आ गए हैं। नानी जी पकौड़े खा रही है और नाटक देख रही है टीवी में। तो मैंने दीदी को मार्क्स बता दिए, कैसे आए मार्क्स? हिंदी में तो यकीन ही नहीं हुआ कितने अच्छे नंबर आ सकते हैं, सब में ठीक ठाक है, पर साइंस और मैथ ज्यादा अच्छे से करनी पड़ेगी। हाँ देखा, पापा को भी बता दिया। पापा कैसे थे मार्क्स? ठीक थे? बकवास। तुम्हारे को नहीं पसंद आया आज तू। सबको मार्क्स दिखा दिए हैं और मतलब तीन में तो अच्छा है, दो में ठीक ठाक है, उस पर और मेहनत करूँगा। और अभी देखो मैं रात को मैथ का काम कर रहा था और मैथ का काम करते करते याद आया कि मैंने ब्लॉग तो एंड ही नहीं किया, तो अभी मैं थोड़ी देर मैथ का काम करूँगा फिर करूँगा एडिटिंग। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। Thank you.